हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जिम के लिए मैं रेडी हूँ। अभी मैं जिम के लिए निकलने वाली हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सो आज मैं गौर कर रही हूँ अपने ऐप्स पे, क्योंकि मुझे अब ऐप्स चाहिए। पहले मेरी जो पर्पस थी वो वेट लॉस थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद अब मैं ऐप्स के ऊपर वर्क कर रही हूँ, एंड सून यू विल सी माय ऐप्स, जल्द। तो मैं जा रही हूँ डाइट लेने जल्दी जल्दी। और डाइट से मुझे एक बात याद आई, जितने लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सिर्फ वर्कआउट से आपकी फिजिक नहीं बनती है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। आपको डाइट, आपकी जो 70% होती है वो डाइट होती है, जो आपके मसल्स को बिल्ड करती है। सो 70% डाइट होती है एंड 30% वर्कआउट होती है। तो आप कंसिस्टेंट रहो अपने वर्कआउट में, और डाइट बिल्कुल सही लो जिम आने के बाद भी और जिम से पहले भी। और हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, और रिजल्ट्स आपको दिखेंगे बहुत जल्दी। सो स्टे कंसिस्टेंट। चलो कैच यू लेटर, जिम निकलते हैं और जिम में मिलते हैं। सो आई हैव रीच्ड जिम। तो आई एम स्टार्टिंग विथ कार्डियो, 5 minutes ट्रेडमिल एंड 5 minutes साइकिलिंग। मैं जिम में एंटर तो बहुत अच्छे से करती हूँ, और जब एग्ज़िट करती हूँ तो पसीने से नहाकर। सो वर्कआउट से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग करती हूँ मैं किसी भी वर्कआउट से पहले, चाहे वो चेस्ट डे हो, बैक डे हो और लेग डे हो। स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और वार्म अप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ट्रेडमिल और साइकिलिंग 5 मिनट्स कर लिया है, और स्ट्रेचिंग करके मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं फोकस कर रही हूँ एब्स के ऊपर एंड फैट बर्न के ऊपर। सो आज करेंगे फैट बर्न जितना हो सके। न्यू एक्सरसाइजेज मैंने सीखा है तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। सो स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी वर्कआउट से पहले, बिकॉज किसी भी टाइप के क्रैम्प से वो आपको सेव करेगा, और मोबिलिटी भी बॉडी की इंक्रीज करती है। अच्छी खासी आपकी मोबिलिटी हो जाएगी, यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंड्स, फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ती है। सो आफ्टर स्ट्रेचिंग आई एम डूइंग फुल बॉडी बर्न वर्कआउट। तो इसमें मैंने 5 kgs के प्लेट्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वेट एडजस्ट कर लेना। देन यू हैव टू स्विंग योर आर्म्स इन द फ्रंट, और स्क्वाट पोजिशन में आपको बैठना है। कीप डूइंग दैट, कितने भी सेट्स करो, 3 sets, 4 sets, फुल बॉडी बर्न होगा, आपको फील होगी वो बर्न। इवन जो फैट लॉस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है ये एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइजेज। दिस नी सिटिंग वर्कआउट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। यू कैन सी मेरे को कितना ज़्यादा स्वेट आया इस वर्कआउट के बाद। ये देखो, जस्ट मैंने 2 sets किए और देखो स्वेट। नाउ टाइम फॉर माई फेवरेट एब्स वर्कआउट। तो मैंने स्टार्ट किया क्रंचेस से विथ 5 kg वेट। तो वेट्स के साथ मुझे ज़्यादा फील होती है स्टमक पे। सो एब्स जिन लोग भी वर्क कर रहे हैं, तो अपने कोर स्ट्रेंथ पे पहले वर्क करो, देन एब्स पे, बिकॉज कोर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो एब्स जल्दी नहीं आएंगे। सो ऑल दीज वर्कआउट्स आर बेस्ट फॉर योर एब्स। तो बस इतने ही देर में फेस की बैंड बच चुकी है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट सॉक्स। सी वेट्स बिफोर डेट्स, एनी टाइम वेट्स बिफोर डेट्स, कभी भी। वेट से मुझे बहुत प्यार है। सो आई एम डूइंग ऑल्टरनेट एब्स एंड कार्डियो। सो पहले कार्डियो, देन लिटिल बिट एब्स वर्कआउट, देन कार्डियो, देन एब्स। सो इस प्रोसेस में फैट बर्न भी होगा और एब्स पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होंगे ये सारे वर्कआउट्स। सो सैटरडे इज़ फुली डेडिकेटेड टू माय एब्स। सो दिस न्यू मशीन इज़ इंस्टॉल इन द जिम नाउ। तो आज इसको भी ट्राई करेंगे, काफ़ी फन था ये, और इफ़ेक्टिव भी फील भी हो रही थी एब्स में। सो बेस्ट एक्सरसाइज टू स्टिमुलेट योर कोर मसल्स इज़ प्लैंक। येस यू आर राइट,
प्लैंक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए भी एंड फॉर द एब्स ऑल्सो. सो नाउ आई एम डूइंग नी टग्स, दिस इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव फॉर योर एब्स. नाउ बाईसाइकिल क्रंच. सो आई वॉज ट्राइंग दिस हैंड स्टैंड टेक्निक विच आई सॉ ऑन टिकटॉक, जो कि मुझसे हुआ नहीं. सो मैंने फाइनली खड़े होकर हैंड स्टैंड ट्राई किया. सो काफ़ी बार मैं गिरी हूँ इसमें, बट मैंने किसी से हेल्प नहीं लिया. मैंने खुद सोचा कि आज मैं इस वर्कआउट को खुद ही करूँगी. सो बहुत बारी फेलियर्स आए, बट एट द एंड आई सक्सीडेड, आई फाइनली डिड इट. सो हैंड स्टैंड करने से आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है और ब्लड फ्लो भी आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपकी मूड भी अच्छी हो जाती है, मतलब यू हैव अ नाइस मूड. सो दिस इज़ केबल चॉपर विच एक्चुअली टारगेट्स योर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड ओब्लीक मसल्स. सो अगर आप एब्स कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग इट, सो यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट. Because of lack of information, many people can't see the results on their body. They are just doing the workout just for the sake of doing it. So before doing any sets, first have a proper knowledge. I will soon be uploading a detailed video about the abs, what diet you have to take and everything. So if you liked this video, do share it, like it, subscribe it, and see you in the next video.